अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो फोर्ड फिगो के मुतलिक है। मेरे पास है फोर्ड फिगो। आज हम देखेंगे फोर्ड फिगो में जो फोर्ड फिगो की 1.4 डीजल है, इसमें ज़्यादातर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हम देखेंगे जो इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, कौन से इशू आ रहे हैं, तो इस इशू को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक, इससे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से इस इशू को हम दूर करेंगे और अपनी गाड़ी को बआसानी हम खुद ही स्टार्ट करेंगे। पहले स्लिप देंगे, फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, गाड़ी को हमने स्लिप दिया है, बहुत बार स्लिप दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि स्लिप दे रही है लेकिन गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो फ्रेंड्स पहले हम सबसे पहले अपने बोनट को ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम सीखेंगे कौन से इशू आ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम बोनट को ओपन करेंगे, फ्रंट डीजल गाड़ी में हालांकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, मेरे पास भी बहुत से बार ये प्रॉब्लम आई है, तो हमने खुद ही इसमें जो है इसको सॉल्व किया है। पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो कवर होता है इंजन का, ये हम खोलेंगे बाल का बैक कनेक्शन, लेकिन वो इग्निशन में आपको पता चल जाएगा खुद ही, अगर इग्निशन ऑन नहीं हुआ तो बैटरी जो है उसका कनेक्शन लूज हो सकता है। इसको पंप करिए, बहुत बार करिए, तकरीबन 2-4 मिनट इसको पहले पंप कीजिएगा। हो सकता है कि जो पाइप होगी इसमें आयर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी बार हम सेल्फ देंगे, देखेंगे कि इशू दूर हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा सेल्फ देंगे। फ्रेंड्स ने कुछ नहीं हुआ है, ये इशू भी नहीं है गाड़ी में। हालांकि ऐसे भी इशू आते हैं, इसमें पंप करना पड़ता है तो गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार ऐसा इशू नहीं है। पहले अब हम क्या करेंगे, कवर को बंद करेंगे गाड़ी के कवर को, बोनट को भी हम बंद करेंगे। अब इसमें जो मेन इशू आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन इशू कैसे इस गाड़ी में आता है। कपलर लगा हुआ है, दरअसल एक जो कपलर लगा हुआ है यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, इस सेंसर का नाम है CPK सेंसर। ये सेंसर जो है गाड़ी को करंट देता है, करंट देता है, इसी वजह से गाड़ी चलती है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स से हम निकालेंगे 10 नंबर वाला बोल्ट। 10 नंबर बोल्ट हमें यहाँ पे एक बोल्ट इसमें लगा होता है, 10 नंबर वाला, 10 नंबर वाला बोल्ट हम इसे ओपन करेंगे। पास में आप गाड़ी इसे शुरू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं CPK, इसको बोलते हैं CPK सेंसर। ये सेंसर मैंने निकाला है, आप देख सकते हो इस सेंसर पर कितना गर्दा बैठा है, बिल्कुल ये जैसा ख़राब ही लगता है लेकिन ख़राब नहीं है। हम इसको थोड़ा साफ करेंगे, थोड़ा
थोड़ा सा सुपर दे देते हैं, बाद में हम इसको कपड़े से साफ करेंगे। आप देखिए, अब नया जैसा लग रहा है। अब बाज़ अवकात में ये ख़राब भी हो सकता है, आपको नया लगाना पड़ेगा, लेकिन ये ख़राब नहीं है। इसको मैं पूरा साफ किया, आप देख सकते हो पूरा नया लग रहा है। लगता है आप देख सकते हो, एक ही बोल्ट लगता है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये इसको मैं थोड़ा सा वो टाइट करूँगा। फ्रेंड्स, ये मैंने टाइट किया है, अब इशू को तकरीबन तो ये इशू दूर ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे इशू कई मेरे पास भी आए थे बहुत बार इशू, लेकिन फिर मैंने खुद ही इस इशू को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम गाड़ी को सेल्फ दे देते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं है।